आगे बढ़ते हैं और बात उत्तर प्रदेश में मची पॉलिटिकल भागम भाग की। जी हाँ, इसमें सबसे बड़ा नाम आता है स्वामी प्रसाद मौर्य का, जो बीजेपी का दामन छोड़कर अखिलेश के साथी बन चुके हैं। ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य के बीजेपी छोड़ने और समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने से उनके इलाके में कैसा सियासी माहौल है, क्या स्वामी के इस कदम से उत्तर प्रदेश की सियासत क्या करवट ले सकती है, ये समझने के लिए न्यूज नेशन की टीम पहुंची रायबरेली की ऊंचाहार विधानसभा और जाना कि इस इलाके की जनता का मूड क्या है। में भी माननीय मनोज कुमार पांडे के साथ ऊंचा हार की जनता खड़ी है कि इस विधानसभा में जितना काम माननीय पांडे जी ने किया है आज तक किसी ने नहीं किया। जी पांडे जी को ही टिकट देना चाहिए, बाकी यहाँ की जनता जोर मदार से पांडे जी के साथ लगी है। अगर उनके सिवा यहाँ से कोई टिकट मिलता है तो फिर यहाँ समाजवादी पार्टी की हार होगी। यूपी के ऊंचाहर सीट की जनता ने अपना मूड बना लिया है। यहाँ की जनता वर्तमान विधायक मनोज पांडे के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का दम भर रही है, लेकिन इसी सीट के विवाद के कारण एक नेताजी बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में आ गए हैं। इनका नाम है स्वामी प्रसाद मौर्य, जो 5 साल से योगी कैबिनेट में रहकर सत्ता सुख भोग रहे थे, लेकिन चुनाव नजदीक आए तो बीजेपी को बुरा भला कहकर साइकिल पर सवार हो गए। 14 जनवरी तक आप इंतजार करिए, अगला फैसला क्या होगा 14 जनवरी को सबको मालूम हो जाएगा। मुहूर्त देखकर सर साइकिल की सवारी करेंगे? ऐसा है, हर दिन मेरे लिए मुहूर्त है। कार्यकर्ताओं समर्थकों की भावनाओं के अनुरूप 13 को शाम को निर्णय लूंगा और 14 को उस फैसले को सुनाऊंगा। स्वामी प्रसाद मौर्य अब समाजवादी पार्टी के नेता हैं और यूपी में ओबीसी वोट बैंक का बड़ा सियासी चेहरा माना जाता है। उनके पॉलिटिकल करियर पर नजर डाले तो 1980 से राजनीति में सक्रिय हैं। 1991 से 1995 तक उत्तर प्रदेश जनता दल के महासचिव पद पर रहे। 1996 में वे बीएसपी में शामिल हुए। 2007 से 2009 तक यूपी सरकार में मंत्री रहे। 2008 में उन्हें बीएसपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। इसके बाद 2016 में वो बीजेपी में शामिल हो गए। 2017 में योगी कैबिनेट में मंत्री बनाया गया। वो 5 बार विधायक रह चुके हैं, लेकिन 2022 के चुनाव से ठीक पहले स्वामी प्रसाद मौर्य के सियासी पाला बदलने से उनके इलाके की सियासत पर क्या असर होगा, ये जानने के लिए न्यूज नेशन की टीम पहुंची ऊंचाहार। 5 बार से विधायक स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बेटे उत्कृष्ट मौर्य के राजनीतिक करियर को बनाने में जुटे हुए हैं और इसी प्रयास के तहत उन्होंने एक बार बीएसपी तो दूसरी बार बीजेपी से उत्कृष्ट को ऊंचाहार से चुनाव लड़वाया, लेकिन वो दोनों बार चुनाव हार गए। बीजेपी के सूत्र बताते हैं कि मौर्य एक बार फिर से ऊंचाहार से अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे थे और बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं थी। स्वामी प्रसाद मौर्य की छवि पिछड़े वर्ग के कद्दावर नेता की रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य कुशीनगर के पडरौना से विधायक हैं, हालांकि उनका प्रभाव रायबरेली के ऊंचाहर शाहजहांपुर और बदायूं तक माना जाता है। इतना ही नहीं, मौर्य समाज में उनका रसूख बताया जाता है। यूपी में कुशवाहा मौर्य समाज की आबादी करीब 5% है और यूपी की 25 जिलों की 60 से 70 सीटों पर इनका प्रभाव है। इसीलिए स्वामी प्रसाद मौर्य के साइकिल पर सवार होने के बाद ऊंचाहार में उनके समर्थकों का जोश हाई है। मौर्य साहब, स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो एक कदम उठाया है, समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया है, इस कदम को आप लोग किस तरह देखते हैं, सही मानते हैं? अरे कदम तो बहुत, जो क्योंकि हमारे समाज के वो अगुवा हैं हमारी यूपी पूरी यूपी के, तो हम तो यही मानते हैं कि जो कदम उठाए हैं बहुत अच्छा उठाए हैं और ये 5 साल पहले उठाना चाहिए था। केवल ऊंचाहार ही नहीं, जिले ही नहीं, पूरे प्रदेश में इसका असर पड़ेगा। हाँ, पूरे प्रदेश के मौर्य बिरादरी जो है वो स्वामी के साथ, स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ। कोई सुनने वाला नहीं है स्वामी प्रसाद मौर्य के अलावा, यहाँ कोई नेता किसी को सुनता रहे? ये गरीबों दलितों पिछड़ों की हरदम सेवा की है, तो हम लोग उनके साथ बिल्कुल रहेंगे। बहुत जगह पार्टी जमीन पे नहीं आ पाती है, लेकिन नेता जमीन पे आकर के जो नेता अपने समाज का और बैकवर्ड तबके का भला माननीय मौर्य जी कर रहे हैं, उस हिसाब से वो हमेशा नेता बने रहेंगे, चाहे जब जिस पार्टी में रहें हमेशा नेता रहेंगे।
माननीय मौर्य जी लगातार सर्व समाज दलित पिछड़ों की लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे, इसी कारणवश उन्होंने अपने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया है। बेटे को स्थापित करना चाहते हैं, पुत्र मोह सबको होता है और उस मोह से वो भी ग्रसित हैं। अपनी बेटी को सांसद उन्होंने बनाया लेकिन बेटे को विधायक बनाने की चाहत उन्हें इधर से उधर ले जा रही है। ऐसे में सवाल है कि स्वामी का कितना प्रसाद अखिलेश यादव को मिल पाता है और क्या बीजेपी स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने के बाद भी अपने वोट बैंक को एकजुट रख पाती है, ये वक्त बताएगा। उचाहार से अमित सिंह के साथ टीम न्यूज़ नेशन।